डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। दिवाली में अगर आपने दिल्ली में पटाखे जलाए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर इसको लेकर तैयारी की है, जिस तरह से एनजीटी ने आदेश दिया है। हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल वो मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। संजय भाटिया साहब, क्या आपके सेंट्रल दिल्ली की बात करें, सबसे ज्यादा पटाखों की यहाँ पर शॉप है, होलसेल मार्केट भी है, तो किस तरह से लाइसेंस रद्द किया, क्या क्या किया, एक्शन लिया? फिलहाल जो पहले लाइसेंस दिए गए थे, टेम्पररी लाइसेंस उनको कहा जाता है, ग्रीन क्रैकर्स बेचने के लिए, वो तमाम रद्द किए जा चुके हैं। और साथ साथ ये इंश्योर किया जा रहा है कि तमाम वो दुकानें जो ये फायर क्रैकर्स को बेचने वाली थी वो बंद करा दी गई हैं। तो तमाम पे शटर डाउन है, ताले लगे हैं और हर कुछ घंटों में हम लोग टीम्स भेज रहे हैं, अलग अलग टीम्स भेज रहे हैं, विजिलेंस की टीम्स भी भेज रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं भी सेल ऑफ फायर क्रैकर ना हो। क्या अगर कोई पटाखे जलाता है तो पुलिस क्या कानूनी कार्रवाई भी करेगी? बिल्कुल, अभी फिलहाल जो लेटेस्ट आदेश मिले हैं, अभी तो बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे जलाने पर कंप्लीट बैन है। फिलहाल तो हम किसी को जलाने नहीं देंगे। कोई अगर उल्लंघन करता है तो जो कानून में प्रावधान है, जो उस पर सजा का प्रावधान है, जो भी कार्रवाई का प्रावधान है वो की जाएगी। क्या पुलिस जो तमाम इलाकों में किस तरह से चेकिंग अभियान चला रही है, कौन कौन सी टीमें हैं वो चेकिंग अभियान चला रही है? हमारे तमाम बीट कांस्टेबल्स, हमारी मोटरसाइकिल पेट्रोल्स, हमारा तमाम स्टाफ जो थाने से निकलता है पेट्रोलिंग के लिए या इलाके में मौजूद है, वो सब चेक करता रहता है। और हमने मार्केट एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी बताया हुआ है कि कहीं भी कोई वायलेशन मिलता है, हमारे पुलिस मित्र भी हमारे साथ हैं, ईयर्स एंड आई स्कीम के मेंबर्स भी साथ हैं और भी गुड समेरिटन्स हैं। कहीं पटाखे जलेंगे तो हमारे को खबर आ जाएगी। फिलहाल कंप्लीट बैन है, कोई भी पीसीआर कॉल हमारे मध्य जिला में अभी तक नहीं आई है और हम इंश्योर कर रहे हैं, एजुकेशन द्वारा भी लोगों को समझा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बता रहे हैं कि कहीं भी पटाखे ना जलाए जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डीसीपी संजय भाटिया, जिनका कहना था कि अगर आपने पटाखे जलाए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।